तो हेलो गाइस, कैसे आप सब। तो आज ना संडे का दिन है और अभी ना मैं नहा के एकदम तैयार हो चुका हूँ, एकदम नए वे कपड़े वपड़े पहन लिए और अभी ना हम जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए, क्योंकि आज संडे है। तो जा रहे, सोच रहे हैं कि खजराना गणपति के दर्शन करके आते हैं। साफ करना अच्छे से, और ये भी करना नीचे साफ करना, यहाँ पे एकदम चकपक दिखने अच्छी बड़ा गाड़ी। तो खजराना पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हो रही है बहुत ही खतरनाक वाली भीड़। देख लो कितनी गाड़ियाँ लगी यहाँ पर, और यहाँ पर हमने हमारी गाड़ी यहाँ पर खड़ी कर दी है और वो रहा मेन गेट। तो वहाँ से भी अंदर चलते हैं, दर्शन करते फटाफट। क्या चल रहा है अभी? कष्ट करने पड़ेंगे क्योंकि बहुत सारी लाइनें हैं जिसमें हमको चक्रव्यूह भेद कर जाना पड़ेगा। हाँ, ये चक्रव्यूह बना हुआ पूरा, इधर से घूम के आओ फिर उधर से घूम के आओ, है ना, दर्शन करने। तो दर्शन तो हमने कर लिए, लेकिन भयंकर वाली भीड़ हो रही थी, तगड़ी वाली। फिर भी दर्शन कर लिए हमने, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, गर्मी भी बहुत हो रही थी उसके अंदर। क्यों चलते वो रहा सामने मंदिर, और हम वहाँ से आए थे और वहाँ दर्शन करके, फिर वहाँ दर्शन करके वहाँ पे दर्शन करा, फिर यहाँ से फिर ऐसा करके बाहर आ गए। ले चल यार, तो फिलहाल दर्शन कर लिए हमने मंदिर के और अब जा रहे हैं हम घर, क्योंकि इस गेट में भी इतनी शानदार लाइट जलती है रात में, और ये अभी बनाया है, यानी हमेशा रहता नहीं यहाँ पे। और भाई पार्किंग में भी देखो कितनी भयंकर गाड़ियाँ खड़ी है, तो वो रही हमारी गाड़ी ये। तो आज संडे था ना, इस वजह से ना यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ है, बाकी रात को जाएंगे तो रात को और ज्यादा भीड़ रहेगी इससे। में काफी भीड़ थी भयंकर वाली, और मैंने एकदम हम तो ना एकदम भीड़ में दब गए थे। उसके बाद में हम फिर डायरेक्ट सीधा घर पे आ गए हैं, वो घर पे अब आए हैं, अब भैया का फोन आया है भैया का, तो बोले चलो अपन आते हैं घूम के कहीं पर, ट्रिप रिपोर्ट तक एक गेड़ी मार के आते हैं। तो फटाफट चलते हैं वहीं पे, थोड़ा फोटो वोटो शूट कर रहे हैं, मौसम भी बहुत जबरदस्त हो रहा है। तो अभी आ गए हम इस बियासन के ठीक पीछे, जो कि हाईवे बना हुआ ना, जहाँ पर हम पहले आए थे, हमने साइकिल का शूट किया था हमारी, तो वहाँ पर आ गए फोटो खिंचाने के लिए। लेकिन यहाँ पर कोई लग ही नहीं रहा फोटो खिंचाने ऐसा, एक खुफिया रास्ता मिला हमको छोटा सा, ये रोड बड़ा बना देते हैं या तो बनाते ही नहीं, इतना छोटा सा रोड बनाया हुआ है जो किसी काम का ही नहीं है। वो यहाँ पे ना कचरा बहुत पड़ा है, मतलब लोगों ने देखो, मतलब स्वच्छ इंदौर होने के बावजूद भी हर जगह कचरा ही कचरा पटक रखा है, इधर भी कचरा उधर भी कचरा है, इतनी अच्छी जगह को कूड़ादान बना दिया है पूरा। तो भाई यहाँ पे तीन तीन ट्रक खड़े हुए, एक दो तीन उधर भी खड़ा हुआ है, एक माल ले गया है रेत भरी हुई ट्रक में पूरे पे। लेकिन अभी सिटी में नहीं आ सकते ना 11 बजे के पहले, इसलिए बाहर खड़े हुए हैं, 11 बजे के बाद ही एंट्री है इनको सिटी में जाने की। रोड तो बहुत मस्त है एकदम, ये नया रोड बना है तो बहुत प्यारा लग रहा है, इधर से लेकर उधर तक ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है, लेकिन फोटो खिंचाने में मज़ा नहीं आ रहा हमको, पहले आ रहा था लेकिन अभी नहीं आ रहा है। आज सुबह के साथ में मैं गया था घूमने के लिए, लेकिन वहाँ पे हमको कुछ खास मज़ा नहीं आया, हम थोड़ी देर बैठे थे, हमने पबजी वबजी खेला, उसके बाद वापस आ गए थे, फिर वो चले गए घर। तो हम आज ट्राई करने वाले हैं पिज्ज़ा बनाना, जो कि हम पहली बार बना रहे हैं, हमको बता भी नहीं कैसे बनेगा, और हम बना किस पे रहे, इस ओवन पे अभी चल रहा है ये, तो इस ओवन पे बना रहे हैं। फिलहाल तो इस ओवन पे हमेशा बाटिया बनती है दाल वाफले वाली, लेकिन अभी हम इस पे पिज्ज़ा बनाएंगे, ट्राई करेंगे कैसे बनता है पिज्ज़ा। और अभी हमने सभी ना सॉस वगैरह, शिमला मिर्च वगैरह, टमाटर वगैरह, प्याज वगैरह सारे काट के रखे हुए हैं, देखते हैं कैसा बनता है, पहली बार बना रहे हैं, आई थिंक अच्छा ही बनेगा, और अच्छा बनाए तो ही अच्छा है ना।
एक बार पहले भी ट्राई किया था लेकिन वो जल गया था वो, लेकिन अब ट्राई करेंगे तो जलाएंगे नहीं उसको और अच्छे ही बनाएंगे। इसने जलाया था अगली बार बनाया था तो इसको बनाते नहीं आया था, लेकिन अब छोटू बना रहे हैं मैं बना रहा हूँ। तुमने जलाया था, लो फ्लेम में रखना था, इसने हाई फ्लेम में रख दिया था, पूरा पिज्जा नीचे से ना जल गया और एकदम पापड़ बन गया था, नहीं लग रहा था। प्याज टमाटर और शिमला मिर्च, वो सॉस है, ये चीज़ है, चीज़ की स्लाइस भी है और चीज़ के क्यूब भी है, लगे तो बटर भी डाल देंगे हम उसके अंदर। तो पिज़्ज़ा हो गया है रेडी, इसके मस्त हमने चीज़ डाल दिया है, शिमला मिर्च टमाटर सब हो गया है बेस, बस को अब गर्म करते हैं इसके ऊपर, ओवन के ऊपर हमारे पास है फिलहाल में ओवन है, तो इस ओवन पे बनाएंगे। इस पर बाटी बन जाती है तो इस पर फिर क्या नहीं बन सकता, ये बन सकता है इसके ऊपर। तो ये हमारा पिज़्ज़ा हो चुका है एकदम रेडी और लग रहा है एकदम मस्त वाला। अभी मैं आया हूँ बहुत अच्छी जगह है, पितृ पर्वत पर, देख लो सामने हनुमान जी बैठे हुए बहुत बड़े वाले, तो वहाँ पर आए हैं दर्शन करने के लिए और रात काफ़ी हो चुकी है तो यहाँ पे भीड़ नहीं है, एकदम सुनसान ही हो रहा था, पूरी गाड़ी ऊपर तक हम ले आए, नीचे रखी नहीं हमने, तो अभी तो बहुत लेट हो रहा है। और अभी तो फिलहाल में राज भी आया मेरे साथ में, जिसका अभी आगे व्यवहार था आज तो बहुत ही मतलब अच्छा गया है, 100 में 100 नंबर आ जाएंगे इसको ना, पास हो जाएगा। तो अभी हम पितृ पर्वत पर आए तो यहाँ पर चलते हैं फटाफट ऊपर, फोटोशूट वगैरह करते हैं, रील्स वगैरह बनाते हैं और दर्शन करके आते हैं भगवान के। हनुमान दादा हमारे यहाँ पर बैठे हुए विराजमान है, गणपति जी की भी स्थापना करके रखी हुई है, बहुत प्यारी प्रतिमा लग रही है रिद्धि सिद्धि के साथ में, और हनुमान जी तो यहाँ बैठे ही है, कृष्ण कन्हैया लाल भी यहाँ पे सामने तरफ बैठे है ना। तो यहाँ से जाएंगे अब हम ऊपर, यहाँ पे ऊपर काफ़ी भीड़ है, बस नीचे नहीं दिखी, बाकी ऊपर काफ़ी भीड़ दिख रही है। यहाँ पर ना अभी तो है ना सिर्फ ऊपर ऊपर भीड़ है, नीचे बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, लेकिन ऊपर भी सिर्फ ना फोटो वोटो खिंचा रहे हैं, जल्दी आते ना तो यहाँ बहुत भीड़ मिलती है, ऊपर फिर किसी को आने भी नहीं देते, बंद कर देते, लेकिन उनका गदा भी बहुत बड़ी है उनकी। हाथ में हनुमान जी को राखी बांधी है हाथ में, जो कि अच्छी लग रही है। तो ये देखो हनुमान जी गधा कितनी बड़ी है, तो ये तो लोहे की बनी हुई है पूरी गदा वहाँ तक की, और ये मूर्ति कितनी मस्त लग रही है, भगवान भी कितना प्यारा लहरा रही है, कुदरती स्लो मोशन हो रही है वो। तो रास्ते से हम जा रहे हैं नीचे, उस रास्ते से आए थे उधर से, इधर से नीचे जा रहे हैं, और इस साइड भी रास्ता है, इस साइड भी जा सकते हैं, अंदर मंदिर बना हुआ है इधर, अंदर मत जंगल में, जंगल नहीं है वैसे, रास्ता है यहाँ से जाने का, यहाँ से जा सकते हैं, ऐसे घूम घूम के जाओगे तो वहाँ सामने मंदिर बना हुआ है, वहाँ दर्शन कर सकते हैं, वहाँ राम भगवान का मंदिर बना है। तो यहाँ पे व्हील चेयर भी है, दो रखी हुआ मेरे सामने फिलहाल के लिए, तो वो देखो वो सामने रखी है, दो ही रखी है, दो बंदे आएंगे ना उनको मिल जाएगी, लेकिन तीसरा बंदा आएगा ना उनको नहीं मिलेगी, क्योंकि दो ही यहाँ पे सिर्फ अवेलेबल में ही दो है। तो यहाँ पे मज़ा आ गया, यहाँ पे भीड़ भी कम थी और उसे फोटो वोटो खिंचाने मज़ा आ गया, तो खड़ा फोटो नहीं खिंचा क्योंकि लोग इतने फोटो खिंचा रहे हैं यहाँ पे कि हम कब खिंचाएंगे, हमारा समय ही नहीं है, हमारा टाइम आ गया, जब तक तो बंद ही कर देंगे मंदिर अंदिर। तो अभी चप्पल जूते स्टैंड से जूते ले लेते और फिर चलते हैं घर। अरे किसके खा रही है जूते, ये बेचारा परेशान हो जाएगा, बेटा फाड़े मत जूते, अरे होशियार, ये किसी का जूता ही लेके जा रही है महाशय, बेचारा क्या सोच के गया होगा ऊपर, और क्या ये नीचे क्या हालत हो रही जूते की उसकी। तो हमारी गाड़ी लगी है उस तरफ में, और देखो यहाँ पे बिल्कुल ना कोई है ही नहीं, बाकी ना यहाँ पे भी फोटो वोटो शूट करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों बंद करके रखा हुआ है, यहाँ पूरी रस्सी वगैरह बांध रखी है वहाँ तक की, और ये हो सकता है बीच में कुछ बनाने का चल रहा होगा कुछ, इसलिए भाई गाड़ी तो वहाँ रखी, और पूरा सुनसान हो रखा है, क्योंकि बहुत रात हो रही है, अभी 11 बज रही है रात के, और वो सामने जो कितना प्यारा नज़ारा दिख रहा है पूरे इंदौर का, यहाँ से पूरे इंदौर का नज़ारा दिखता है। स्वच्छ भारत को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ना 3 डस्टबिन रखे हुए, तो डस्टबिन का इस्तेमाल करना चाहिए, इधर उधर कचरा नहीं फेंकना चाहिए।